हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ आज केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ आईपीएससी नेम, आईपीएससी नेम की कुछ रूल बंद श्रृंखला और खुली श्रृंखला चयन के बारे में बताया था प्यार। ठीक है, चलिए मैं आज पहले क्लास के अकॉर्डिंग टू आज उसी क्लास पर चालू करता हूँ आपको आईपीएससी चलाऊ पढ़ाने के लिए। हमको दोस्तों देखना है कि आईपीएससी क्या चीज होती है, आईपीएससी में हम क्या क्या चीजें आगे पढ़ सकते हैं। आईपीएससी पढ़ने के लिए हमको क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ जाती है। मैंने तो पहले वीडियो में पढ़ाया था आप लोगों को कि एक बंद श्रृंखला एक खुली श्रृंखला, तो जितनी भी इस ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है कि 15 क्या है क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सब खुली श्रृंखला के अकॉर्डिंग टू आते हैं। अब बंद श्रृंखला ओपन क्लोज चेन इसके बाद में पढ़ाऊंगा प्यारे, इसके बाद क्लोज चेन इसके बाद होगा आप लोगों को। चलिए हम इस वीडियो में खुली श्रृंखला के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या हमको आईपीएससी में पढ़ना है। चलिए इतने आप लोग चीजें समझ जाएंगे तो आप लोग, मैं आपको 100% दावा करता हूँ कि आईपीएससी में आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये मेरा शर्त है प्यारे। चलिए देखिए, आईपीएससी आईपीएससी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है आती है। देखिए फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप एफ जी, इसका नाम है क्या एफ जी, इसको क्या कहते हैं एफ जी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एफ जी। ठीक, चलिए देखिए एकल बांड, एक क्या है एकल बांड, जब डबल बांड रहेगा पहला एकल बांड, दूसरा डबल बांड, तीसरा एल्काइन एल्कीन एल्केन, ये हमको पढ़ना है पहले तो एल्केन एल्कीन एल्काइन, फिर ग्रुप ओ एच एल्कोहल ग्रुप, क्या है एल्कोहल ग्रुप, क्रियात्मक समूह में एल्कोहल ग्रुप होता है ओ एच। ठीक, ये चीज है। अब पांच में, फाइव में नंबर में एल्डिहाइड ग्रुप सी एच ओ, सी एच को ऐसे भी लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब देखो देखो आप, ये मैंने कहा अथवा, दिखाई नहीं देता होगा, चलिए यहाँ पे दिख रहा है अथवा, जो सी है वो ए उन उतर कर नीचे आ जाता है सी एच ओ हो जाता है। देखो या इसको ऐसे कर सकते हैं सी एच ओ, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं, आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं आ गया होगा। तो ऐसे एल्डिहाइड ग्रुप में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी आ सकता है आपके पेपर में। हाँ चलिए, आपके पेपर में ऐसे भी आ सकता है दोस्तों, इसलिए मैं एल्डिहाइड ग्रुप आपको पढ़ना है। एल्डिहाइड क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, जो आईपीएससी में लिखना होता है हमको। चलिए अब सिक्स का कार्बोक्सिल समूह सी डबल सी डबल ओ ओ एच, सी डबल ओ ओ एच, ऐसे भी एक नंबर की सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे भी चार्ट एग्जाम्पल जैसे एल्डिहाइड का दे देगा, कार्बोक्सिलिक का दे देगा, कीटो का दे देगा, तो चार्ट देकर एक ऑप्शन पूछ देगा कि बताइए इनमें से कौन से कार्बोक्सिलिक समूह क्रियात्मक समूह है, तो आपको बताना पड़ जाएगा। इसलिए इसको लिखने के तरीके देखिए सी डबल बॉन्ड ओ एच, अब ऐसे जुड़ जाता है तो सी एच ओ हो जाता है। अब सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच यानी कि सी डबल ओ एच, फिर यही बात घूम फिर कर आ जाती है, जैसे सी अब ओ इधर आएगा, यहाँ का ओ एच सी डब्ल्यू ओ एच, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम है। कीटो, कीटो ग्रुप से आर सी यू आर होता है, क्या होता है आर सी यू आर या आर सी यू आर डैश, डैश का मतलब सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, ऐसे कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है प्यारे साथियों। चलिए ठीक, इसका मैंने जिक्र किया। चलिए इथर, इथर का देखिए इथर आर ओ आर या आर ओ आर डैश, इथर भी हमको 6 7 8 यानी इथर भी हमको क्या करना है पढ़ना है, इथर इथर भी ग्रुप हमको पढ़ना है। अब इसके बाद एस्टर,
NH2 का ग्रुप होता है इसको भी पढ़ना है, ACAY2 पढ़ना है, नाइट्रो यौगिक RNO2 नाइट्रो कंपाउंड भी एमीन भी पढ़ना है आपको, फिर एमाइड भी पढ़ना है आपको, एसिड हैलाइड भी पढ़ना है और हेलो एल्केन भी पढ़ना है। ये सब क्या चीज है आप कुछ समझ में नहीं आई सर? कोई बात नहीं है, नहीं समझ पाया कोई और अच्छी बात है। देखिए आपको क्या करना है, आपको इसको नोट करना है, पहले 15 कंपाउंड, ठीक 15 कंपाउंड नोट कर लीजिए। हमको इतने तक पढ़ना है, चाहे हम क्लास 9 की पढ़े, चाहे 10 की पढ़े, चाहे 11 की पढ़े, चाहे 12 की पढ़े, इस चारों क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या है इम्पॉर्टेंट? चारों क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है IUPAC। मैं समझता हूँ कि यदि आप लोगों को IUPAC नहीं समझ में आता है तो आप लोगों को जो इसका नाम है रिएक्शन करने में बहुत ही कठिनाइयां हो सकती है, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप कंपाउंड का नाम ही नहीं मालूम आप लोगों का होगा, तब ये कैसे ये चीजें जो समझ में आएगी। इसलिए IUPAC को पढ़ना सबसे आसान सबसे बेहतरीन तरीके मेरे YouTube पर चैनल पर है प्यारे बच्चों। चलिए इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक एक चीज को समझा समझा कर बताता हूँ, तोड़ता हूँ, आप लोग सीखे उसे, ठीक। अगर मैं चाहूँ तो इसको एक ही मिलाकर भी बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में बात नहीं आएगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ आप लोगों को एक एक सिंगल बाय सिंगल ग्रुप को समझाते भी चलता हूँ, उसके बाद उसी में यूज करता उस ग्रुप का चलूंगा, आप लोगों को एक बेहतरीन तरीके से IUPAC रेंट लिखना आ जाएगा, ठीक दोस्तों। चलिए मैं शुरू करता हूँ आप लोगों को पहला LK। चलिए नोट डाउन, चलिए आप लोगों को मैं समझाता हूँ आज। चलिए क्रियात्मक समूह की पहला हमारा चालू हो जाता है, पहला एल्केन, नोट डाउन करते रहिए, समझते रहिए एल्केन। क्या मैंने लिखा एल्केन, एल्केन दोस्तों मैंने लिखा एल्केन, आपसे शुरुआत से चालू हो रहा है, डरिए मत। चलिए पढ़िए मिल जाओ एल्केन, क्या लिखा मैंने एल्केन, ALKANE, ALKANE, ALK प्लस ANE जोड़ दीजिए इसमें, ठीक बना बन जाएगा ALK ANE। सबसे इंपॉर्टेंट है जी को एल्केन, मैंने क्या सीखा एल्केन, एल्केन का पहचान कैसे होता है, पहचान एल्केन का पहचान कैसे होता है, एकल बांड से, कैसे होता है एकल बांड से पहचान कैसे होता है एल्केन का, एकल बांड से, चलिए एकल बांड से, ठीक। इसका समान सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र, समान सूत्र क्या होता है CnH2n+2 होता है, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बार बार पूछने जाने वाला प्रश्न है, ये पूछा जाता है आपसे, पूछा जाता है एल्केन का समान सूत्र क्या है CnH2n, इसका नाम CnH2n, जहां वेयर यानी कि जहां n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डाट कुछ भी रख सकते हैं आप, इस फंक्शन में CnH2n+2 में कुछ भी रख सकते हैं n का मान, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया, जैसे यहां पर मैंने 1 रखा, जब वेयर n बराबर 1 रखने पर कुछ भी नहीं, आप लोगों को जो आपके दिमाग में बातें बन रही है उसके साथ मैं आप लोगों को बातों को समझ रहा हूँ, उसके साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए यदि n का मान 1 रखिए इसमें C1H2+2 इसका टू क्या हो जाएगा, C1 का मतलब कुछ भी नहीं, CH2 + 2 = 2, 2 = 4 CH4 आया कि नहीं, आ गया। अब 2 रखिए n बराबर 2 इसमें रखिए तो C2 H
टू गुणते टू धन टू इसका टू क्या आएगा सी टू एच दो दुना चार दो छह सी टू एच सिक्स आया कि नहीं। एन बराबर थ्री रख दीजिए सी थ्री एच तीन नहीं टू ना टू तीन प्लस टू इसका इसमें रखना है इसमें सी थ्री एच तीन दुना छह दो आठ ऐसे। अब एन बराबर फोर रखिए सी फोर एच क्या एच टू गुणते फोर धन टू बस इसी में रखिए एन का मान टू गुणते एन का मान फोर तो सी फोर एच दो आठ एच टेन। तो ऐसे एन का मान रखते जाइए और आपको निकालते जाइए फार्मूला से आपको मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। अच्छा मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि आप लोगों को याद होगा कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आक्ट नून डेक ये आपको याद रहना चाहिए। यहाँ लिख लिख क्या थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अच्छा इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग थोड़ी सी। चलिए हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। इसको नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए इसको जैसे ऐसे मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आक्ट नून डेक पहला नंबर दूसरा तीसरा फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये आपको याद रहना चाहिए। अब इससे सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव सी सिक्स सी सेवन सी एट सी नाइन सी टेन ऐसे होते हैं क्या आपके आईपीएससी ने में लिखने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसे मेन ए प्रो ब्यू पेंट हेक्स हेप्ट आक्ट नून डेक ये आपको याद रहना चाहिए। यदि आपको ये सब चीजें याद है जल्दी से जल्दी आप आईपीएससी नेम को लिख सकते हैं इसमें ठीक। चलिए मैं आप लोगों को जिक्र करता था समान सूत्र में एन का मान वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जिस प्रकार से लिखने के लिए रखने के लिए ठीक। तो आप रख लीजिए देख लीजिए मैंने इतने इस फार्मूले से मैंने गणना कर दिया। तो ये सब चीजें हो गई प्यारे साथियों। चलो इसको आप लोग लिख लीजिए हो गया होगा। चलिए इसको मैं रस करता हूं इसको मैं मिटा दूं। अब कहां से लिखा जाता है आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई होगी। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि CH4 में आपको अब CH4 क्या है बता दीजिए एल्केन मेथेन क्या है मेथेन एल्केन मेथेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन नूनेन डेकेन ऐसी ठीक। आप इसमें C1 C2 इसमें दो जोड़ते जाइए दो सी टू कर दीजिए एच सिक्स दो जोड़ते जाइए सी थ्री एच एट सी फोर एच एट टू टेन सी फाइव एच क्या ट्वेल्व सी सिक्स एच फोर्टीन सी सेवन एच सिक्सटीन सी एट एच एटीन ऐसे लिखते जाइए आप ठीक। इसका नाम मेथेन इसका नाम एथेन इसका नाम मेथ एथ ब्यू टेन ब्यू टेन इसका नाम क्या है। अच्छा फोर कार्बन से देखो पहले कार्बन से क्या पहले कार्बन से एक कार्बन है ना मैं अभी बताता हूँ समझ गया कोई बात नहीं। देखो पहले कार्बन से क्या है पहले कार्बन से मेथ है तो इसलिए मेथ एन लगा न लगा है एन जुटा है जैसे मेथ यम ई टी एच मेथ ए एन ई में थेन ए एन ई जोड़ दो मेथ में ए एन ई जोड़ दो मेथेन हो जाएगा ठीक। सी टू या सिक्स में मतलब एथेन एथेन ब्यूट
ए एन इंग्लिश में लिखोगे तो आपको समझ में आएगा ज्यादा। ए एन ई जोड़ना है, ए एन ई जोड़ना है। अब मेथेन एथेन ब्यूटेन प्रोपेन प्रोपेन, आप प्रोपेन की मान नहीं मेथ ए प्रो प्रो ब्यूट ब्यूट पेंट पेंट अप्रो प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन पेंट में एन ई जोड़ दे, ब्यूट में एन ई जोड़ दे, सब में एन ई, कौन सा हमको जोड़ना है एन ई जोड़ना है। ठीक साथियों एन ई आपको जोड़ना है। आपको इसी तरह इसका भी इसका भी इसका भी नाम लिखना है मेथेन एथेन प्रोपेन 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 ब्यूटेन पेंटेन पेंटेन। अब इसके बाद क्या हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन, इस तरह आपको आपके सीने में लिखना है इसका नाम। इसमें एकल बाण का जिक्र किया गया है। ठीक है साथियों तो आप लोग एल्केन श्रेणी का एल्केन जो पहले ग्रुप का है एल्केन के बारे में आप लोग सीख गए होंगे, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त होगी। चलिए हम आयो इसको तोड़ तोड़ कर लिखते हैं। ठीक नोट डाउन कर लीजिए थोड़ी सी तरह के लिए। चलिए चलिए देखिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तहत आइए हम आपको एग्जांपल समझाता हूँ एग्जांपल। अब इसे CH4 C2H6 कहां से आया CnH2n प्लस टू एल्केन का समान सूत्र क्या होता है एल्केन एल्केन का समान एल्केन का समान सूत्र CnH2n प्लस टू होता है। एल्केन में एन ई जुड़ता है ठीक एल्केन में एन ई जुड़ता है तो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन होता है। ठीक जैसे मैंने आपसे कह दिया मैंने क्या आपसे कर दिया एग्जांपल क्या कर दिया एग्जांपल मैंने कर दिया CH3 CH2 CH3 कार्बन के बाहरी कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका मैंने पहले ही क्लास में जिक्र कर दिया है दोस्तों कि चार होती है क्या होती है फोर होती है। ठीक तो CH3 CH2 CH3 में आपको आईयूपीएससी नेम लिखना है IUPAC नेम आपको IUPAC नेम लिखना है। कैसे लिखा जाए कि CH3 CH2 CH3 में सर इसका IUPAC नाम कैसे लिखे कोई बात नहीं आगे मैंने वह लंबी श्रृंखला चुनिए जिसमें ग्रुप का होना अनिवार्य है। मैंने क्या कहा मैंने ये कहा आपसे कि वह लंबी श्रृंखला को चुनिए जिसमें ग्रुप का होना अनिवार्य है। तो दोस्तों मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि इस समय आपको एक सिंपल आईयूपीएसी नेम लिखना सिखा रहा हूँ इसलिए इसमें तो ग्रुप है नहीं आगे वाले शायद वीडियो में आ जाए ग्रुप तो आपको मैं बता दूंगा। ठीक तो चलिए हम सिंपल छोटे से बड़े लेवल तक आपको आईयूपीएसी नेम चुटकियों में सिखाता हूँ कैसे। चलिए CH3 CH2 CH3 में सर आईयूपीएसी नेम कैसे लिखे तो मैंने क्या कहा वह लंबी से लंबी श्रृंखला चुनिए इसमें ग्रुप का होना अनिवार्य है। तो सर इसमें ग्रुप नहीं है कोई बात नहीं कार्बन गिनो कार्बन किस नंबर पर है कितने कार्बन है इस जिसका आईयूपीएसी नाम लिखना है इसमें कितने कार्बन है। चलिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन देखो 1 2 3 हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं बस हमको गिनना है किसको कार्बन को तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो अब बता दीजिए 3 कार्बन से क्या है मैंने कहा था ना जिक्र किया था ना पहले वीडियो में इसको आपको याद रहना सबसे महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि 1 2 3 3 कार्बन से क्या है पे? दोस्तों प्रोप है आप लिखेंगे प्रोप क्या लिखेंगे प्रोप। अब इसमें एल्केन है एकल बांड लगा है तो एकल बांड से क्या हो गया एन न जोड़ जाए प्रोपेन प्रोपेन एल्केन तो प्रोपेन समझे अगर नहीं समझा रहा है तो चलो हम इंग्लिश में लिख देते हैं इसको ऐसे एल के ठीक
अब ए एल के में क्या ए एल ई जुटता है तो प्रोप का क्या स्पेलिंग होता है पी आर ओ प्रोप प्रोप मान लीजिए ए प्रोप है पी आर ओ पी प्रोप तो प्रोप प्रोप में क्या ए एल ई जुड़ना है प्रोपेन 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 ए एल ई जुड़ना है तो प्रोपेन समझ में आया कि नहीं। चलो हम दूसरे दूसरे चीज की जिक्र करते हैं चलो उसको नोट डाउन कर लीजिए आगे ठीक हो गया। चलिए दूसरे एग्जाम्पल के हम जिक्र करते हैं आप लोगों के सामने चलिए तैयार हो जाइए फटाफट। चलिए यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना न भूले प्यारे बच्चों और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने शेयर करें ठीक। चलिए प्रोपेन अब चलिए मैंने कहा कि CH3 मैंने एग्जाम्पल ले लिया आप लोगों के सामने। चलिए अब इसका आईपीसी नाम लिखिए मैं देखता हूँ कौन सा सही लिखते हैं लोग। चलिए चलिए मैं बताता हूँ आपको पहले नंबर पर क्या करनी है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को समझता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता ये मानकर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता मैं ये मानकर आप लोगों आप ये मत कहिए कि हम आपको जानता हूँ कुछ भी नहीं हम आपको यह जानता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है मैं आईपीएससी नेम आपको पढ़ा रहा हूँ सिखा रहा हूँ। चलिए तो मैंने इसका कहा कि आईपीएससी नेम सर बता दीजिए यूपीएससी आईपीएससी नेम सर बता दीजिए इसका तो सर आप क्या करेंगे तुरंत लिखना तुरंत कार्बन को गिने 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन सर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन से क्या होता है ब्यूट देखो 1 2 3 4 से ब्यूट 4 कार्बन से ब्यूट है ना तो आपको याद रखना चाहिए टेबल तो ब्यूट क्या मैंने लिखा ब्यूट सर एकल बांध लगा है कि डबल सर डबल बांध तो हमें बारे में कुछ पता नहीं एकल बांध लगा है एकल बांध में एन जुटते हैं तो ब्यूटेन अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो ब्यूट होता है ऐसे तो क्या है ब्यूट ब्यूट होता है ब्यूट होता है ब्यूट होता है इसमें ए एन ई जोड़ दीजिए ब्यूटेन क्योंकि ए एन ई का इसमें जिक्र किया गया है ए एन ई ब्यूटेन क्या नहीं आया आया कि नहीं आया आ गया ना आ गया अब देखो इसको मिटाता हूं अब और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने देता हूं। चलिए 3 एग्जाम्पल इसे मैंने कहा CH3 CH2 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 CH3 कुछ भी नहीं यार कुछ भी नहीं। चलो इसका आईपीएससी नाम लिखो IUPAC आईपीएससी नाम लिखिए इसका लिखिए जल्दी से आईपीएससी नाम क्या होगा इसका आईपीएससी नाम निकाल दिया। चलिए हो गया चलिए पहले क्या हम करेंगे आईपीएससी नाम लिखने के लिए कार्बन की संख्या नंबर आप कार्बन की संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 किधर से कार्बन की संख्या इस श्रेणी में किधर से भी कार्बन की संख्या गिर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं जब आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं चीजों को और बताता जाऊंगा कि जिससे कि आप कार्बन की संख्या किधर से गिनना चाहिए ये सब बातें आगे बताई जाएगी क्योंकि यहाँ पर अनिवार्य नहीं उतना बताना ठीक। तो 1 2 1 2 3 4 5 तो 5 कार्बन से क्या होता है 5 कार्बन से इस टेबल में देखिए पेंट होता है क्या होता है पेंट। अब इसमें अभी एकल बांड का मतलब समझते हो कि नहीं यार एकल बांड तो ऐसे होता है देखो डबल बांड का ऐसे होता है एकल बांड ऐसे होता है ठीक तो एकल बांड लगा है तो एकल बांड तो इलेक्ट्रेन है तो पेंटेन हो जाएगा। अब इसे मैंने क्या लिखा मैंने पेंट मैंने क्या लिखा पेंट अब इसमें ए एल जोड़ दीजिए पेंटेन हो जाएगा कि नहीं पेंटेन। तो इस तरह मैं आप लोगों को ये आईपीएससी एल्केन श्रेणी की समान सूत्र लिखते हुए आपको एग्जाम्पल समझाया दोस्तों ठीक। तो आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझाया समझ में आ गया होगा आप लोगों को
चलिए मैं आप लोगों को दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ, आप घर से इसको होमवर्क के रूप में ले लीजिए। चलिए पहला एग्जाम्पल आपको CH3 CH3, दूसरा एग्जाम्पल है आपको CH3 CH2 CH2 CH3, आपको तीसरा एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 CH3, फोर एग्जाम्पल है CH3 CH2 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 CH3। ये आपको होमवर्क है कि आईपीएससी नेम लिखना है, लिख दीजिए आईपीएससी नेम बताना है फोर का। उसके बाद हम तीन ग्रुप श्रेणी का दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, आप लोगों के सामने आएंगे, ठीक। जब तक इसको लिखते रहिए, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, आज की क्लास इतने तक, थैंक यू सो मच।